मेरा नंबर सर कर दिया न्यूज 11 अभय के नाम से। कोई दिक्कत होगा यहाँ तो बताइए, फोन कीजिए। झारखंड में कोई दिक्कत नहीं, बाइक तो डायरेक्ट साकी रहो, पाकूर साकी एकदम घूमत लेके खड़ा रहो। हम लोग का साथ में जितना हो सकता है, घबराना नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता। भारतवर्ष में कानून है, संविधान है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना सर। हम लोग को हर चीज में प्रेशर किया जा रहा है। चलो मेरा जो दुख है मैं समझ सकता हूँ, और इतना बड़ा खड़ा लगा दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग सब ठीक ठाक करेंगे, जितना हो सकता है करूँगा। तुम लोग डरो मत, मैं दोबारा मिलूंगा। तुम लोग का हॉस्टल का जो जो मुझको दिया है वो भी मैं देंगे। पुलिस को तो बिना नोटिस गाइबाखा में किया। हमने खुद देखा कि कैसे घुसपैठी लोग हमारे आदिवासी माँ पिता बहन का ऊपर कैसे अत्याचार कर रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, एसपीटी कानून है, फिर भी आदिवासी अपना जमीन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट में फेवरेबल ऑर्डर आने का बाद भी प्रशासन आदिवासियों को मदद नहीं करता। फिर पाकुड़ का कॉलेज का हॉस्टल में भी उसको मैं गया, आप लोगों का साथ वहां में भी बातचीत हुआ। कैसे आदिवासी युवाओं का खिलाफ नक्सल का केस लगा दिया गया है, धारा लगा दिया गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनका ऊपर लाठी सर्च लात मारना, जो भी हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोच भी नहीं सकता हूँ। इतना बुरा काम वो लोगों ने किया है। मेरा इतना ही प्रश्न है, अगर आदिवासी परिवार को अपना जमीन का हक हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, अगर आदिवासी युवाओं को अपना शिक्षा का अधिकार हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग कहाँ जाएगा? अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री का पास अगर वो लोग नहीं जा सकता है तो वो लोग कहाँ जाएगा? बकरीद का दिन गोपीनाथपुर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, मुहर्रम का दिन तारानगर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। 50 परिवार अभी भी पाकौर में है, वो लोग तारानगर जा नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। एक पाकौर में एक पूरा सरेआम रसा जा रहा है। धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। पाकौर में हुआ है, 2 दिन का बाद पाकौर जिले में भी होगा, पूरा संथाल में होगा। एक पूरा रणनीति का आधार, रणनीति को सामने रखते हुए ये घुसपैठिया हमारे अस्मिता का ऊपर आक्रमण कर रहा है। मामला जितना मैं असम में सुना था, जितना रांची में सुना था, उससे कोई ज्यादा गहरा है, गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कल झारखंड का महामंत्री राज्यपाल जी से भी मिलकर ये बताना और मैं जरूर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बताऊंगा हालत का बारे में। और मेरा विश्वास है कि झारखंड का लोग जागरूक होगा और घुसपैठियों का खिलाफ अपना आवाज उठाएगा। और ये जो सरकार है जो आदिवासी का हित का ऐसा नहीं कर सक रहा है उनसे जरूर जवाब मांगेगा। मैं आपको इतना बताता हूँ, ये थोड़ा सा आस पाकोर में जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ऐसा घटना भारतीय जनता पार्टी का सरकार का टीम में होने से हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करता? आज तारानगर गोपीनाथ नगर से जो घटना हुआ है, ये घटना का खिलाफ में क्या बीजेपी सरकार आवाज नहीं उठाता? हो ही नहीं सकता है। जहाँ में बीजेपी का सरकार है लोग अपना सिक्योरिटी महसूस करता है। कम से कम कुछ नहीं होने से तो हमारा मंत्री का प्रवास लग जाता है। सिक्योरिटी का सवाल नहीं है, हमारा सवाल है। मेरा तो सारा सवाल वही है कि कम से कम जो भी घटना होती है पहले मंत्री का प्रभाव होना चाहिए, बड़ा अधिकारी आना चाहिए। आज भी देखिए जो ट्राइबल फैमिली कोर्ट का आदेश उनका हाथ में, तो उसको जमीन वहां पास करने के लिए भी हम बीजेपी जेएमएम खेला खेलना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल खाली सीधा बात है, आज एसपी जाए छाटो जमीन पर, एक बात खाली बोलना है सिस्टम। तो ये भी बात को करवाने के लिए हम पार्लियामेंट कर जाएगा। ये पॉलिटिकल भाषा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी को गायकाखान में आके परमेश्वर हेम्ब्रम को पीड़ा को समझना चाहिए। ये सब तो पॉलिटिकल भाषण है, अच्छा लगता है टीवी में सुनने के लिए, वो भी कुछ बोलेगा मैं भी कुछ बोलूंगा, पर उससे क्या परमेश्वर हेम्ब्रम दांजो हेम्ब्रम का जीवन में परिवर्तन होगा? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हेमंत सोरेन जी को विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कल सुबह आप एसपी को बोलिए कोर्ट का ऑर्डर आदिवासी का पक्ष में है, जमीन दिलवा। कम से कम हम राजनीति करने वाला लोग इतना तो कर पाता हूँ ना, बाकी डायलॉग देना तो डायलॉग लिखना वो बॉम्बे फिल्म में होते ही रहते हैं। ये तो आप बॉम्बे का फिल्म देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ डायलॉग आपको आ जाएगा। क्या मैं भी उनका कोई डायलॉग बोल देने से क्या परमेश्वर हम लोग को जमीन मिल जाएगा? क्या तारानगर का लोग घर जा पाएगा? आज पाकुर का घटना हिंदी फिल्म का डायलॉग में सीमित नहीं। आपका हाथ में एक बहुत बड़ा आफिस है, एसपीडी कानून है, नंबर लगाइए घर घर में। कोर्ट आपका साथी होगा, कोर्ट हमेशा आदिवासियों का साथ होते हैं। ये भारत का लोगों का तुलना अगर कोई बांग्लादेशियों से करते हैं वो तो भारत का कोई विधायक ही नहीं बन सकता। अगर आप मैं बोल रहा हूँ बांग्लादेशी, आप बोल रहे हैं भारत का, मतलब आप भारत विरोधी हो गया ना। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारतीय सिटीजन से आप कंपेयर करेंगे? पहले बांग्लादेशी को हटाओ, फिर आपका जो अंदर में हमारा देश का जो बात है वो देश में होगा। लेकिन अगर आप बोलेगा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये भी तो बंगाल से आए हैं, ये भी तो बिहार से आए हैं, ऐसे देश चलेगा? मेरा आसाम में 40 लाख झारखंड से जाते हुए लोग हैं, क्या मैं इसको बोलूंगा? आज आसाम में 40 लाख झारखंड से जाते हुए लोग हैं। देश का अंदर तो आना जाना चलता है, लेकिन हाँ कानून होता है भाई, जमीन में कुछ रोक होगा, संस्कृति में कुछ प्रोटेक्शन होगा, आप करिए, इसमें तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर लगता है कि कोई बाहर प्रदेश का लोग आके आपको कुछ अन्याय कर रहा है, आप नीति बनाइए ना। आपको डोमिसाइल रूल बनाने से कौन मना करके रखा है? आप बनाइए, आप शासन में है। लेकिन बांग्लादेशियों का साथ भारत का नागरिक को कंपेयर करना ये क्या ठीक है? दोनों अलग अलग है। मैं नहीं बोलता हूँ कि समस्या अंदर में नहीं है, हो सकता है अंदर में और समस्या होगा, लेकिन उनका साथ क्या बांग्लादेशियों का कंपेयर करेगा? भाई ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं है, अपना आदिवासी का ऊपर अत्याचार हो रहे, शादी विवाह करके आदिवासी अस्मिता को खत्म कर दे रहा है, और आप लोग हमें प्रश्न कर रहे हैं। आपको जाके भगवान बिरसा मुंडा से सीखना है वो कैसे लड़ाई लड़ा। सेहरा बना लेने से काम होते क्या? ये वीरों का भूमि है। हेमंत सोरेन को वीरों का जैसा काम करना चाहिए। बांग्लादेशी का उनको सौतेदार बनने का जरूरत नहीं है। हमारा तो जब घटना का मालूम हुआ तो मेरा बहुत बुरा लगा, दुख लगा। इसलिए कोई भी पुलिस, कोई भी हॉस्टल आने का पहले प्रिंसिपल और हॉस्टल का अथॉरिटी का परमिशन लेके ही आते हैं। एक बार आया, फिर दोबारा आया और 150-200 पुलिस बल यहाँ पे आया और सारे लोगों का ऊपर इतना कठोर धारा लगा दिया है। ये तो कोई भारत का कोई प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। जो भी है अभी आप लोगों को मैं डीजीपी से भी बात करूंगा रांची जाके और उनको मैं निवेदन भी करूंगा कि ऐसा नहीं होते हैं। और अगर हमारा यूथ का ऊपर, स्टूडेंट का ऊपर ही आप लोग ऐसा जोन करेगा तो देश कैसे चलेगा। तो मैं आपका जो बात है वो बात में बताऊंगा और अगर वो नहीं माने तो मैं आप लोगों को कोर्ट से या केंद्रीय सरकार से ये मामला टेकअप करने के लिए मैं बोलूंगा और पूरा जांच भी होगा और जांच का साथ साथ आप लोगों का जो भी धारा है वो हट जाए, केस को खत्म हो जाए, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। आप लोगों का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जो जो घायल हुआ है मैं कुछ सहाय करके जाऊंगा। आप लोगों को सिटी स्कैन वगैरह जो भी है हम लोगों का तरफ से आप लोग को सब कुछ करा दिया जाएगा। आप लोग अपना ट्रीटमेंट वगैरह बढ़िया से करवा लीजिए और बाकी जो फोटोग्राफ है सब है लेके मैं कल एक बार डीजीपी साहब और गवर्नर साहब को मिल के मैं बता के जाऊँगा कि इसको ठीक करना चाहिए। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों का साथ है और मैं जैसे भी हो आप लोगों से केस भी हटवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और ट्रीटमेंट वगैरह का भी हम पूरा आप लोगों का सहायता कर दूंगा। तो मैं दोबारा आऊंगा, आप लोगों से फिर मिलूंगा। आज तो हालत ठीक नहीं है, आप लोग सब दुखी है। बाद में एक बार मैं दोबारा आके आप लोगों से जरूर मिलूंगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ में कुल व्यवस्था देख रहे हैं। आप लोगों आपको मैं जो भी देना है देके जाऊंगा। सबको एक प्राइवेट यहाँ में नजदीक में सब अच्छा हॉस्पिटल है, सब में 11 बच्चा को ले जाके आप ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। के साथ घटना हुई तो बहुत सारे पुलिसकर्मी आए हुए, जितने भी पुलिसकर्मी आए तो बर्खास्त किया जाए और यहाँ के DCSP सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई बर्खास्त किया ही जाए, क्योंकि उसके डिस्ट्रिक्ट पर होता है। जब स्टूडेंट के ऊपर ऐसे होता है तो ये जानना मतलब वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपका बात में मैं सहमत हूँ। 200 पुलिस अधिकारी को कोई ऐसा ही लेके नहीं आ सकते। जब तो ऊपर से कुछ ऑर्डर होगा तभी तो 200 पुलिस आएगा। तो एक थाना में तो 12 पुलिस रहता है, 20 पुलिस रहता है। 200 इकट्ठा हो जाने का मतलब ये प्री प्लान प्लानिंग की तरह हुआ। जैसे हम लोग सोए हुए तो ऐसे गाड़ी लेकर के यहाँ नहीं आ जाते, तो गाड़ी को बाहर कहीं बाहर रख करके पैदल ऐसे स्ट्राइक लेकर के प्रोग्राम मतलब होता है ना, स्ट्राइक जैसे प्लानिंग ऐसे करके आए और हम लोग को पीठा पर सोए गए थे। बस हम लोग को पता ही नहीं चला कि आपको नोटिस वोटिस कुछ हुआ ही नहीं। बस बेटा हम यही चाहेंगे कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और जितने भी उसमें शामिल हैं सबके ऊपर हम लोग जरूर। आपको तुम्हारा केस बन जाएगा। पहला सवाल यही कि जो झारखंड आए कि ये आपका बच्चा है, आप इनका ध्यान रखें। आपको गोपीनाथपुर जाने का अनुमति नहीं दिया गया है। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इसीलिए मैं झारखंड पुलिस का जो भी निर्देश है इसको अवमानना करके मैं मुझको गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा। कारण तो बताया, कारण उन्होंने बताया कि मेरा सिक्योरिटी का ऊपर आपका सुरक्षा को जिम्मेदार देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आपको जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो आप दूसरा लोगों को कैसे आप सिक्योरिटी देगा? गोपीनाथपुर में जो लोग बसा हुआ है उनको आप कैसे सिक्योरिटी देगा? तो यहाँ में तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था कि एक सरकार, एक प्रवासी मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। क्या हो रहा है मैं तो देख के ही हैरान हूँ। एसपीटी कानून लागू है, आदिवासी का जमीन घुसपैठिया हड़प लेते हैं। आदिवासी ट्राइबल हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ आके पुलिस लोगों को लात मारते हैं, लाठी मारते हैं। फिर गोपीनाथपुर में दूसरा स्टेट और यहाँ का घुसपैठिया मिल के गोपीनाथपुर में हमारे लोगों का ही ऊपर अत्याचार करते हैं। कोई देखने जाना चाहते हैं, बोलते नहीं नहीं आप मत जाइए, वहाँ में आपका सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर मेरा सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर आप मुझको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो मतलब गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? ये हालत है आज पाकुड़ पुलिस का। तो सत्ता पक्ष तो कहता है कि आपकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अरे खर्चा तो मैंने बोल दिया, मैं वहाँ पास कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आसाम पुलिस से, आसाम सरकार से पत्र आ चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे सर, जब एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए? मैं तो आज हैरान हूँ, मैं तो एकदम हैरान हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो साधारण नागरिक को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? हमारा पास सीआरपीएफ का जेट प्लास है, उस व्यक्ति को आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकता है मतलब सिचुएशन कितना खराब है। घुसपैठ पर सर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है केंद्र पर ही आरोप लगा रहा है। केंद्र भाई साहब आप बताइए, एसपीटी कानून केंद्र लागू करेगा कि झारखंड सरकार लागू करेगा? आज गोपीनाथपुर का लोगों को न्याय केंद्र देगा कि झारखंड सरकार देगा? ये छात्रावास का बेटा लोगों को, मेरा भाई लोगों को सुरक्षा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। तब तो झारखंड सरकार का कोई काम ही नहीं है। मतलब सर सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, बॉर्डर में तो सेंट्रल की फोर्स है। देखिए यहाँ में बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है घुसपैठिया आके बैठा हुआ है। कौन सरकार का दिन में बैठा हुआ है मैं आपको नहीं बताना, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। घुसपैठिया बीजेपी का समय से नहीं आ रहे, घुसपैठिया पहले से आ रहा है, कब्जा बना के बैठा हुआ है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा से जो घुसपैठिया आते हैं वो झारखंड आ रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आपको निर्देशित किया है कि घुसपैठियों का आप छानबीन कीजिए, कागज देखिए, कैसे आधार मिला चेक कीजिए, कैसे एसपीटी कानून होने का बावजूद आप आदिवासियों का जमीन में वो लोग बैठा हुआ है, आप जांच कीजिए। तो ये क्या केंद्र सरकार का काम है? इसमें सेंट्रल क्या कदम उठाएगा? सेंट्रल यही कदम उठाएगा कि हम लोग झारखंड सरकार को जितना पुलिस चाहिए, सीआरपी चाहिए, मिलिट्री चाहिए, आपको हम दे दूंगा, लेकिन कदम तो झारखंड सरकार को उठाना है ना। असम क्या घुसपैठ मुक्त हो चुका है? असम तो घुसपैठ से भरा हुआ है। मैं तो लड़ रहा हूँ वहाँ में, कांग्रेसी लोगों ने हमको भी वहाँ घुसपैठिया का जाल में फंसा के किया है। अभी घुसपैठियों से मैं 80,000 हेक्टेयर जमीन को खाली किया हूँ 3 साल में। मैं निरंतर फाइट कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया। सर संथाल को किस रूप में आप देख रहे हैं? आप देखिए संथाल का आज तो मैं 3 जगह का ही आपको हालत बता रहा हूँ। आप हालत देखिए, ये आज गाय बठान में मैं गया, आप देखा है खुद आदिवासी जो मेरा बुजुर्ग है, कैसे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, किसने मारा है? घुसपैठिए ने मारा है। और क्या आपको क्या चाहिए? हर पोलिंग स्टेशन में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसपैठिया का नंबर बढ़ रहा है। मैं कल या परसों जब भी समय मिलूंगा झारखंड में, मैं कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के मैं पूरा निकाला हूं कि कितना घुसपैठिया और कितना डेमोग्राफी चेंज हुआ है यहाँ। ये तो बढ़ते जा रहा है, तो आप लोगों को अपने आप को बसाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का हालत भी आसाम जैसा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ।